भाजपा मंत्री बलदेव सिंह का ममता बनर्जी को करार जवाब, कहा भाजपा में राम की है आस्था, जन जन में राम का नाम बसा है। देखो मैं कहना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता उनको चाहती है, अब वो समय अपने चुनाव के व्यस्त समय में से निकाल के अगर टीवी पे कोई अपना इंटरव्यू या कोई मैसेज या कोई देना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, वो भी वो करें, उन्हें इस बात की, उनके पास कोई टीवी वाला जाता नहीं होगा इसलिए उनको चिढ़ होगी। देखिए मोदी जी का हर वर्ग से, चाहे कोई भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कोई भी मीडिया हो या कोई भी समाज के लोग, कोई भी इस देश की जनता जो भी अपने अपने वर्गों में जो भी वो समय चाहते हैं लेना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको समय देते हैं और पूरी बात करने का मौका। इनके चुनाव के नतीजे के बाद इनसे सबसे इनका अंजाम को भुगतना पड़ेगा। देखिए ये तो जन जन मानस में राम का नाम बसा है, अब ये उन्हें ममता जी को अब सुनना पड़ रहा है गली में जब निकल रही है कि जनता की आवाज़ क्या है, राम एक आस्था है, राम एक भगवान है और हर व्यक्ति को अपने ईष्ट अपने भगवान का नाम लेने से कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक चुनाव के बाद की बात है, वो चुनाव के बाद आप देखना पश्चिम बंगाल में होने वाला क्या है, लोग की जनता वहाँ के जो जनमानस है जाग चुका है और वो जो अन्याय की, गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचारी की सरकार को खड़ा रहते हैं, अब ये उनकी आपसे कोई कोई ऐसी अंदर की बात रही होगी जो उनको बहुत पीड़ा होगी जो उसने ये काम किया है, मगर ये काम नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी की स्टार्ट बता रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी का ये कल्चर नहीं है, बीजेपी का ये सिद्धांत नहीं है, बीजेपी का ये आइडियोलॉजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कारित पार्टी है, सबका सम्मान के साथ पार्टी में काम होता, आगे बढ़ते हैं वो कभी भी, उसका एक भी कार्यकर्ता